डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम क्लास सिक्स की अभ्यास पुस्तिका वसंत के दूसरे गद्यांश को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गद्यांश नंबर दो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो अब हम इसी गद्यांश से सम्मिलित क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निंदा के उद्गम के क्या कारण हैं? हीनता और कमजोरी निंदा के उद्गम के कारण है। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया है, हीनता और कमजोरी। निंदा करके व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है? तो ये हमने पढ़ा था अभी। निंदा करके व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? निंदा की प्रवृत्ति तब बढ़ती है जब कर्म छीण होता है। तो ये हमने पढ़ा था। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं, निंदा। थैंक यू।